अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने तो था वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट किया था, और उसका आज हमारा जो है वो 5th लेक्चर है। और आज हम इस लेक्चर में जो है वो पोस्ट बनाना सीखेंगे कि पोस्ट होता क्या है, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है वेबसाइट में, और किस तरह से जो है हमें उसके यूजेस यूज करके हम इंफॉर्मेशन जो है अपने क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं, या फिर अपने पब्लिक जो भी होती है उनको दिखा सकते हैं। तो पोस्ट बनाने से पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि पोस्ट क्या चीज होती है। पेजेस के बारे में हमने पढ़ा था कि वो प्री डिफाइन होते हैं, जैसे कि वेबसाइट जो है वो मल्टीपल पेजेस से मिलकर वेबसाइट बनती है, और जो पोस्ट है वो कंटेंट एंड डाटा जो है वो मैनेज करने के लिए यूज होता है। अब वर्डप्रेस पोस्ट इज वट मेक अप द ब्लॉग एस्पेक्ट ऑफ योर साइट। दीज आर जनरली न्यूज और इंफॉर्मेशन अपडेट अबाउट अ सर्टेन टॉपिक टॉकिंग पॉइंट। पोस्ट आर लिस्टेड इन रिजर्व चार्नोलॉजिकल ऑर्डर्स एंड कैन बी टेक्स्ट कैटेगरीज एंड इवन अचीव्ड ऑन योर साइट। मतलब के जो पोस्ट होते हैं वो ब्लॉग की तरह ही होते हैं साइट पर। एक इंफॉर्मेशन अपडेट के लिए एक टॉपिक ले लिया जाता है, उस पर पोस्ट बना दी जाती है, और उस टॉपिक के रिलेटेड जो है हमें जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो हम पोस्ट में ऐड करते हैं। और उस पोस्ट की जो है वो हम लोग है रिवर्स चार्नोलॉजिकल ऑर्डर भी बना सकते हैं, टैग भी बना सकते हैं, कैटेगरीज भी बना सकते हैं, इवन और इसके अलावा के हम जो है पोस्ट को अचीव्ड भी करते हैं कर सकते हैं अपने मेन्यू बार से। तो पेज जो होता है वो प्रीडिफाइंड होता है, लेकिन पोस्ट जो है वो प्रीडिफाइंड नहीं होता। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे पोस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे पोस्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो पेजेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वेबसाइट जो है वो मल्टीपल पेजेस से बनती है। पोस्ट आपकी अपनी मर्जी है कि आप पोस्ट बनाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। तो ये होता है पोस्ट। एंड जो है हम देन थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि पोस्ट और पेजेस में बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं, सिमिलर जो होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस भी होता है कि जो पेजेस होते हैं वो स्टैटिक कंटेंट होते हैं एंड डोंट हैव अ पब्लिश डेट। एंड जो है पोस्ट वर्डप्रेस पोस्ट आर फॉर टाइमली ब्लॉग पोस्ट एंड हैव अ पब्लिक डेट। तो इस एक सेंटेंस से जो है इनकी जो सिमिलरिटीज हैं वो, और जो इनमें डिफरेंस है वो होपफुली क्लियर होगा होगा। तो अब हम जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये जो है हम लोगों ने पेजेस बनाए हुए थे पहले से, हमने जिन पेज बनाया था एडिटर ब्लॉक के साथ, तो इसके साथ जो है वो आप दोबारा से देख सकते हैं कि हम कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को आज जो है वो पोस्ट बनाने का तरीका बताऊंगी कि ब्लॉग में जाके आपने डैशबोर्ड को क्लिक करना है। तो जैसे ही डैशबोर्ड ओपन होता है तो हमने इसके अंदर जो है वो पोस्ट बनाना स्टार्ट करना है। ये हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। अब देख सकते हैं पोस्ट जो है हमने यहाँ पे ऐड न्यू कर देना है। देखें जी, जैसे ही हम पोस्ट पे क्लिक करके इसको ऐड न्यू किया है तो बिल्कुल हमारे पास वैसा ही इंटरफेस आ गया है जैसा कि हम पेज बना रहे थे तो हमारे पास आया था। तो जहाँ पे जो है हम एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो ब्लॉग पोस्ट बना लेते हैं, तो हम जो है थोड़ा देखें जी, वो हमसे टाइटल मांग रहा है तो हम यहाँ पे जो है वो टाइटल इसको दे देते हैं। देखें जी, टाइटल जो है वो हमने दे दिया है, और ये हमारा जो है वो टाइटल है। जब हमारा पोस्ट जो है उसका नेम है मीन टू से। तो इसके अलावा जो है हम इधर सेटिंग में जो है वो देख लेते हैं कि आप लोगों ने इसको स्टिकी करना है कि नहीं करना है। इसके अलावा जो है कैटेगरीज
भी देख लेते हैं। इमेजेस जो हैं, फ्यूचर इमेजेस जो हैं, मतलब हमारी वो इमेज होती है जो कि हम ऊपर लगाना चाह रहे हैं, तो जहाँ से जो है हम अपलोड कर लेते हैं एक इमेज और हम लगा लेते हैं इसको। जहाँ से जी हमने इमेज जो है वो लगा ली है और जहाँ से हम इसको पब्लिश कर देंगे। और यहाँ से हमने इसके अंदर जो है वो पैराग्राफ ऐड करना है जी। तो पैराग्राफ का जो था वो हम यहाँ से थोड़ा कंटेंट ले लेते हैं पैराग्राफ ऐड करने के लिए। ये जो है हम इसको ऐड कर लेते हैं एज अ पैराग्राफ। देखें जी पैराग्राफ जो है वो हमारे पास आ चुका है और इसको हम कुछ भी करना चाहें तो हम जो है वो कर सकते हैं। जो है वो इसको कलर भी दे सकते हैं, मतलब जो भी हम इस जैसी भी डिजाइनिंग करना चाहें, बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। देखें अगर हम इसको सेंटर सेंटर में लाइन करना चाह रहे हैं तो सेंटर में कर दें, अगर अदरवाइज जो है वो हम राइट में लाइन करना चाह रहे हैं तो राइट में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप हर चीज़ जो है इसमें कर सकते हैं। एंड देन जो है इसके अंदर आप इसको पब्लिश कर लेते हैं जी। कैटेगरीज बना सकते हैं हम लोग, कैटेगरी में ये पोस्ट है, यहाँ पर जाके हम जो है कलर सेटिंग नहीं करनी हमने, और यहाँ पर जो है वो कैटेगरीज हम देख लेते हैं पोस्ट में जाकर। कैटेगरीज जो है अगर आपने कोई कैटेगरी नहीं बनाई हुई तो जो है आपके पास इस तरह से शो होगा, तो आप ऐड न्यू कैटेगरी कर दीजिए। एड न्यू कैटेगरी, इसके अंदर आप नेम लिख दीजिए एजुकेशन। आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, मैं एजुकेशन लिख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने भी एजुकेशन लिखना है। आप जो है इसको कैटेगरी का नाम दे दें और जो है इसको बना लें, कैटेगरी बना लें आपने। एड न्यू कैटेगरी जो है वो कर देनी है। इसके बाद जो है आपने यहाँ से देख लेनी है और कुछ ऑप्शन आपने चूज करना है तो आप कर लें, अदरवाइज नहीं करना तो ना करें। इसके अलावा जो है आप लोगों ने इसको जो है वो देख लेना है अपने पोस्ट को। देखें जी पोस्ट जो है वो हमारे पास आ चुका है और ये इसकी फीचर इमेज जो हमने लगाई थी और उसकी हेडिंग एंड देन नीचे जो पैराग्राफ लिखा था कमेंट बॉक्स जो है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑन होता है। अगर आप ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम कस्टमाइजेशन में जो है कस्टमाइज में जाएंगे और वहां से जाके जो है ब्लॉग पेज जो है वो एक सेट कर देंगे। तो हमारे जो पोस्ट होंगे वो ब्लॉग पेज पर आएंगे। देखें जी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है कस्टमाइज वाला ऑप्शन जो है डैशबोर्ड का वो ऑन किया था और इधर से जो है होम सेटिंग, होम पे सेटिंग जो है इसको हम करेंगे। ये एवरी थीम में हमें जो है अवेलेबल होता है। अगर हमें इस थीम में अवेलेबल ना भी हो तो हमारे डैशबोर्ड में सेटिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग के ऑप्शन में जाकर जो है हम होम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। योर होम पेज डिस्प्ले, तो वो पूछ रहा है कि आपने होम पेज जो है वो डिस्प्ले कौन सा करना है कि जब आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो तो आप यूजर जो है वो आपका सबसे पहला कौन सा पेज देखे। तो हमने इसके लिए जो है होम पेज सेट कर देने के यूजर जो है हमारा होम पेज सबसे पहले ये वाला जो पेज है वो देखते। देखें जी हमारा होम पेज जो है वो सबसे पहले आ गया। इसके बाद जो पोस्ट पेज जो है हमने
करना है ब्लॉग पोस्ट पे जो है हमने ब्लॉग सेट कर दिया है, तो जहां से जाके हमने पब्लिश करना है। इसका फायदा हमें ये होगा कि पहले जो स्टैटिक पेज जो हमने होम पेज लिया है, तो जैसे ही यूजर हमारी वेबसाइट ओपन करता है तो हमारा ये वाला जो होम पेज है ये उसको दिखाई देगा, क्योंकि ये पेज जो है हमने होम पेज के तौर पे बनाया है। इसमें होम पेज में हमारे वेबसाइट के रिलेटेड एवरी चीज एवरी इम्पोर्टेंट कंटेंट जो होता है वो हमारा जो है होम पेज पे होता है, और देन जो मोर इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे देन नेक्स्ट पेज पे होती है। तो ब्लॉग का पेज है वो हमने पोस्ट के लिए सेट कर दिया। अगर हम कोई भी पोस्ट जो है वो करेंगे तो हमारा पोस्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। देखें जी, हम एक और जो है वो पोस्ट बना कर देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे जी, पोस्ट एड न्यू करेंगे। एड न्यू करके यहाँ पर टाइटल दे देंगे आरएस। यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, एजुकेशन, और ये आपका टाइटल हो गया। यहाँ से हम जो है वो कोई पैराग्राफ, यही वाला पैराग्राफ हम दोबारा से ले लेते हैं, और जहाँ पे जो है हम इसको लगा देते हैं। एंड देन जो है फ्यूचर इमेज जो है वो हम यहाँ से लगाएंगे। वैसे अगर वहां से इमेज ऐड करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। जहाँ से जो है वो फ्यूचर इमेज यहाँ से हम लगा लेते हैं। ये लगा लेते हैं जी, फ्यूचर इमेज के तौर पे लग चुकी है जी। इसके आगे आप जहाँ से देख लें आपने कौन सी जो सेटिंग है वो करनी है, कोई भी चीज डिसेबल करनी है, टाइटल डिसेबल करना है, कुछ भी डिसेबल करना है, तो आप यहाँ पे चेक करते हैं। अदरवाइज जो है इसको ना करें, यहाँ पे अलाउ कमेंट्स जो है वो आप ऑफ कर दें तो कमेंट्स जो है आपके नहीं शो होंगे वहां पर। और बस ये इसको पब्लिश करके देख लेते हैं। देखें जी, फ्यूचर इमेज जो होती है वो हमारी सबसे पहले आती है, तो ये पेज जो है यहाँ पे सबसे पहले आ गई है हमारी जो इमेज है। और हमने इसके लिए जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने कैटेगरी जो है वो किस तरह से सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी जो है हमने यहाँ पे बनाई थी, तो ये हम न्यू कैटेगरी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। कोई भी कैटेगरी कर लें आप, आरएस कर लें, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी, ये इस कैटेगरी का जो है वो पोस्ट बन जाएगा। आप डिफरेंट कैटेगरी जो है उसमें पोस्ट कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। तो हम जो है इस देख लेते हैं कि हमारी जो है होम पेज के अंदर जो एजुकेशन की कैटेगरी है उसके अंदर ये पोस्ट जो है वो हमारा आ चुका है, और ये हमारा जो है वो प्रीवियस पोस्ट है ये वाला। जो हमारे बैक पोस्ट होते हैं पेजेस में, ये होता है कि हमारे सारे पेजेस जो हैं वो ऑल टाइम हमारी वेबसाइट पे जो हैं वो शो हो रहे होते हैं, लेकिन पोस्ट का ये होता है कि पोस्ट आप लोगों के जो लेटेस्ट पोस्ट हैं वो आपको शो हो रहे होते हैं ऊपर टॉप पे, और जो आपके मतलब ओल्ड पोस्ट होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, मतलब सम टाइम वो आपको नजर नहीं भी आ रहे होते। तो इस तरह से ये है इसकी सेटिंग। एंड देन आगे जो है हम देख लेते हैं कि पोस्ट जो है उसको किस तरह से हमने नंबर्स दें।
ये देखें जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो है वो अगर हमें थीम के अंदर ऑप्शन अवेलेबल ना भी हो पेज सेट करने के, तो हम जो है डैशबोर्ड से कर सकते हैं। डैशबोर्ड में जाएंगे हम सेटिंग के ऑप्शन में, सेटिंग के ऑप्शन में जो है थर्ड ऑप्शन हमें रीडिंग का मिलेगा। रीडिंग सेटिंग के अंदर जो है वो हम आज स्टैटिक पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। होम पेज जो हमने लगाना होगा वो यहाँ से हम होम पेज सिलेक्ट कर लेंगे। एंड ब्लॉक के लिए हमें जो पेज चाहिए होगा हम वो यहाँ पे कर लेंगे। और इसके अलावा जो है एडिट पेज, जो एट मोस्ट मतलब पोस्ट कितने आपको शो हो एट अ टाइम जो है एक पेज के ऊपर आपके, तो आप यहाँ पर 5 पोस्ट कर दें। और एटम्स जो है वो आपको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, एंड जो है यहाँ पे समरी कर देते हैं जी, हम फुल टेक्स्ट नहीं करते, तो सेव चेंज कर लेते हैं। सेव चेंज के बाद जो है हम अपने साइड पे जाएंगे और देख लेते हैं कि किस तरह से जो है हमारा पोस्ट हमें नजर आ रहा है। ब्लॉग का पेज जो है हमने इसको पोस्ट के लिए रखा है, तो देखें जी हमारा जो है ये पोस्ट हमें नजर आ रहा है। और जी हमने समरी पे किया था इसलिए जी हमें इस तरह से पोस्ट नजर आ रहा है। रीड मोर पे जब हम करेंगे तो हमारा जो है फुल कंटेंट हमें नजर आएगा। और ये हमारा जो दूसरा पोस्ट है वो प्रीवियस पोस्ट बन चुका है, इसको इस तरह से हम करके जो है वो देख सकते हैं। देखें जी ये हमारा फर्स्ट पोस्ट है और यहाँ पे हमने कमेंट्स जो है वो अलाउ किया हुआ है। और इसके बाद जो है हमारा दूसरा पोस्ट जो है ये है, यहाँ पे इसके हमने जो कमेंट्स हैं वो अलाउ नहीं किए, इसलिए जो यूजर्स हैं वो हमें कमेंट्स नहीं कर सकते इस पोस्ट के ऊपर। तो होपफुली कि आप लोगों को जो है वो पोस्ट का समझ आ गया होगा कि पोस्ट किस तरह से बनाते हैं और पोस्ट और पेज में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंस हैं। तो होपफुली आप लोग जो हैं लेक्चर लेंगे और आप बनाने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से बनाते हैं। कैटेगरीज जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं पोस्ट की, और जो है जिस कैटेगरी में हम जो पोस्ट करना चाहें, जैसे कि हम एक एजुकेशन की कैटेगरी बना लेते हैं, उसके अंदर हमारे सारे एजुकेशन के रिलेटेड जो पोस्ट हैं वो होंगे। अगर हम एंटरटेनमेंट के लिए कैटेगरी बनाते हैं तो इसके अंदर जो है हमारे एंटरटेनमेंट के पोस्ट होंगे। इस तरह से ये अलग अलग चैप्टर चैप्टर जो है कैटेगरीज पोस्ट की बन जाती हैं, और वहां पे हम अपने कैटेगरी के हिसाब से जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आज का लेक्चर जो है हमारा जहाँ तक की था। अल्लाह हाफिज़।